Career Kul, the educational gurukul, a startup by German and American university alumni. Coaching classes from 9 to 12 and career counseling services. Hello friends and welcome to Career Kul, the educational gurukul. We are a career counseling firm and we try to tell you ki kitne tarah ke careers duniya mein hain aur un careers ko paane ke liye aapki personality kaisi honi chahiye. So we do a aptitude test, a personality test and an interest test. And on the basis of that, we try to tell you that these are the careers for you and these are the careers which will not suit you or maybe you'll have to work a little harder. We also tell you that kaun se exams hote hain, unka cutoff kya hai aur wo kis universities mein aapka admission kara sakte hain. Un universities mein faculty kaisi hai, student culture kaisa hai aur placements kaise hote hain. Lastly, we tell you about the job profile which you can apply to. Today, we are going to talk about a course called MCA. MCA is one of the most underrated course. ये इतना अच्छा कोर्स है कि इसके इक्विवेलेंसी की जाती है बीटेक सीएस से और वो एक्चुअली इंडस्ट्री करती है इक्विवेलेंट मानती है इसलिए वो खुद ही जब कंपनीज आती हैं किसी भी कैंपस में तो 95% कंपनीज बीटेक सीएस वालों को भी अलाउ करती है और एमसीए को भी अलाउ करती है कि वो बैठे तो आज अगर हम देखते हैं कि अगर आपको बाई चांस एमसीए करना है एनआईटी से तो एनआईटी से करने के लिए कौन सा एग्जाम आपको देना पड़ेगा तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि निमसैट का सिलेबस क्या है उसका इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं और फिर उसका कट ऑफ कितना है और एनआईटी में जो है पैकेजेस क्या क्या मिलते हैं तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है इसका सिलेबस मैथ्स में 50 क्वेश्चंस आते हैं इसके मैथ्स में हर क्वेश्चन को 4 मार्क्स हैं एंड दैट मीन्स द टोटल इज 200 बट इसको वेटेज ज्यादा देते हैं इस मैथ्स को और जो भी आप मार्क्स लाएंगे मैथ्स में उसको इनटू 3 कर देंगे और हेंस ये टोटल 1000 के आउट ऑफ होने लग जाता है एनआईटी का पेपर और उसमें से 600 मार्क्स जो है वो मैथ्स के होते हैं मैथ्स में जो सिलेबस है वो 11th एंड 12th का एग्जैक्टली 11th 12th का आईआईटी मेंस के लेवल तक नहीं जाता है ये सिलेबस फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर व्हिच द फंक्शन fx इज इक्वल टू sin x इफ x इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2 एंड fx इज इक्वल टू ax इफ x इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 तो अगर हम साइन एक्स का फंक्शन बनाए तो कुछ इस तरह का बनेगा और जब एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 होगी एक्स इधर जा रहा है तब फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी क्यों है ये क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ ही ऐसे बनता है तो जब हम पाई बाई 2 के आगे निकलेंगे तब एफ एक्स जो होगा ए एक्स के बराबर होगा और उस वक्त उसकी फंक्शन की वैल्यू ए एक्स की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 1 होनी चाहिए एक्स की वैल्यू उस वक्त क्या होगी पाई बाई 2 तो हम एक्स की जगह पाई बाई 2 लिख देते हैं तो ए हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन पाई बाई 2 देयरफॉर दैट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई तो ये आंसर आ जाएगा तो ये देखिए मेंस के लेवल तक नहीं है ऑलमोस्ट टच कर रहा है मेंस का लेवल बट दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक्स हैं अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसमें आते हैं वो है वेक्टर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिख दे रहा हूं यहीं पे वेक्टर्स 2 वेक्टर्स के अलावा कैलकुलस थर्ड प्रोबेबिलिटी और 4 कोनिक सेक्शंस ठीक है ये इनका सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनकी जो बुक्स हैं क्योंकि 11 12th का आता है तो एक मिस्टेक जो आप लोग कर सकते हैं वो ये है कि आप मिस्टेक्स कि दैट ये यू यूज लॉट ऑफ बुक्स कि आप बुक्स बहुत सारी इकट्ठा कर लें और सबसे पढ़ने की कोशिश करें मैथ्स में एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप एक बुक को रखिए उसे ही बार बार करिए और जब से बार बार करेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिसमें से ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहले है आर डी शर्मा कई कोचिंग्स हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जेएमए कोचिंग है आई थिंक सो ये एमपी में है जेएमए अकेडमी और यहां पे मेरे को स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि आरडी शर्मा याद तक करा दी जाती है क्योंकि उसमें से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है दूसरी बुक अगर आपको लेनी है तो आप अमित एम अग्रवाल ले सकते हैं ये दोनों बुक्स में से एक आप पढ़िए और बार बार क्वेश्चंस को करिए क्योंकि काफी बड़ा सिलेबस है मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए सेकेंड क्या है कि प्रीवियस मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग कि प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं लगाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसमें से कहा जाता है कि 10
टू 13 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 10 टू 13 क्वेश्चन आ जाते हैं एक पेपर में से, नहीं डिफरेंट डिफरेंट ईयर के पेपर में से मिला के 10 टू 13 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये मैथ्स अगर आपकी सही से आपने पढ़ ली तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। इसका फर्स्ट स्टेप रहेगा कि आप सिलेबस ले लीजिए, सेकेंड स्टेप रहेगा कि आप बुक ले लीजिए, थर्ड आप कॉन्सेप्ट पढ़िए और फिर प्रैक्टिस करिए, केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एंड देन यू कैन क्रैक द मैथ्स एग्जाम फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। सेकेंड जो इसमें से इसमें आता है वो है एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। तो ये जो होता है इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं, तो 4 मार्क के सारे क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चंस 4 मार्क, तो टोटल हो जाता है 160 मार्क। बट ये इसको वेटेज देते हैं, वेटेज इसको ज्यादा देते हैं, और इसको जो वेटेज ये लोग देते हैं वो देते हैं 1.5 का। तो जो टोटल मार्क्स ये बन जाता है, ये टोटल मार्क्स बन जाता है, टोटल मार्क्स ये बन जाता है 240। तो आउट ऑफ 1,240 मार्क्स का एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी आता है। जो बुक्स इसके लिए आप पढ़ सकते हैं वो है आरएस अग्रवाल की एप्टीट्यूड की बुक। इसमें केवल लॉजिकल और लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी एकदम से आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, बट ऑलरेडी अगर आपकी है तो आप उसे इंप्रूव कर सकते हैं आरएस अग्रवाल से क्वेश्चंस करके, जैसे कि सीटिंग सीक्वेंस क्या होता है, रिलेशनशिप पे क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आपकी स्क्रीन पे जो है एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, तो आप थोड़ा सा उसे पढ़ के समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा जो राइटर है जिनकी बुक आप यूज कर सकते हैं, एमके पांडे की बुक आप यूज कर सकते हैं, और फिर वही है सेम इसमें कि आप बहुत सारी बुक्स ना यूज करें, इंस्टेड आप प्रैक्टिस ज्यादा करें वो ज्यादा अच्छा है। प्रीवियस ईयर के लिए अगर आपको बुक चाहिए तो आप अरियंत की बुक्स यूज कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर की पेपर्स की बुक्स है सोल्यूशन, नहीं तो जेएमए एकेडमी के ऑनलाइन वेबसाइट पे भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थर्ड जो आता है वो है कंप्यूटर अवेयरनेस, सॉरी थर्ड जो आता है वो है सॉरी यस कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, क्योंकि आप लोगों ने बीसीए किया हुआ है, अगर आपने बीसीए में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है आपको कंप्यूटर अवेयरनेस में थोड़ी प्रॉब्लम हो, नहीं तो कंप्यूटर अवेयरनेस काफी इजी आता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसमें कंप्यूटर अवेयरनेस में टोटल केवल 10 क्वेश्चंस ही होते हैं, तो 10 क्वेश्चंस इनटू 4 मार्क्स दैट गिव्स यू 40 मार्क्स का क्वेश्चंस हैं। बट इसका जो वेटेज होता है वो ट्वाइस देते हैं इसको, टू टाइम्स, तो इसको 2 से इंटू कर लीजिए, तो ये जो 2 से जब इंटू करेंगे तो ये 80 मार्क्स का बन जाता है आउट ऑफ 1000, 80 मार्क्स का बन जाता है आउट ऑफ 1000। कंप्यूटर अवेयरनेस में ज्यादातर 11th 12th का ही आता है, 11th का भी आता है, जैसे कि 11th में बाइनरी कन्वर्जेंस ये 11th के कंप्यूटर्स में था, और सेकेंडली लॉजिक गेट्स ये 12th में है, 12th में ये फिजिक्स में भी है और कंप्यूटर्स में भी। अगर आपको ये आता है तो वो काफी चीजें इसमें से ही आ जाती हैं, बहुत ज्यादा कवर नहीं करते हैं ये लोग कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस में। फिर आता है जनरल इंग्लिश ठीक ठाक आती है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। टोटल क्वेश्चंस जो इसके आएंगे 20 आएंगे, एवरी क्वेश्चन इज 4 मार्क्स, सो दैट बिकम्स 80, और इसका जो ये लोग वेटेज लेते हैं वो भी 1 का ही लेते हैं, तो 80 मार्क्स का ही हो जाता है, तो ये टोटल जो है 1000 मार्क्स का हो जाता है। इसमें अगर आपको पढ़ना है तो इसमें मैं रेनन मार्टिन नहीं सजेस्ट करूंगा, जबकि कई लोग रेनन मार्टिन सजेस्ट करते हैं, मैं एससी गुप्ता सजेस्ट करूंगा, या कोई भी बुक, या ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इसके अलावा एंटोनिम्स कॉम्प्रीहेंशन, ये सब आपको पढ़ना है तो थोड़ी प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं और ये आराम से आप क्लियर कर सकते हैं, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, अब हम लोग बात करते हैं कि कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 1000, अगर उसे हम अच्छा स्कोर बोलेंगे, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स के लिए,
टॉप 3 के लिए और फिर टॉप 10 के लिए, क्योंकि टोटल इंस्टीट्यूट्स जो एनआईटी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो 10 इंस्टीट्यूट्स इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि HBTU जो इसके बेसिस पे लेती है। IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने भी बोला है कि वो NIMSAT के बेसिस पे लेगी और शायद अपना भी वो एग्जाम कंडक्ट करेगी, बट अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है इसका। तो हम लोग अब देख लेते हैं कि NITs कौन से हैं जो इसे लेते हैं, उनका कट ऑफ क्या है और प्लेसमेंट क्या है। इससे पहले हम एक बार देख लें कि एक अच्छा स्कोर किसको मानेंगे। एक अच्छा स्कोर